नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा बिष्ट और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। भोजपुरी कलाकार विनोद यादव ने सभी बरेली वासियों और भोजपुरी दर्शकों का धन्यवाद अदा करते हुए बरेली का फिल्म सिटी से पुराना इतिहास है। उन्होंने पीवीआर सिनेमा में पहली बार किसी भोजपुरी फिल्म को स्थान दिए जाने पर उन्होंने दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं एक आम आदमी की तरह रहता था, सोच जा जीवन में कुछ बड़ा और अलग करूँ, तो मैंने सिनेमा में जाने का निर्णय लिया और काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और अपनी मजबूरी को देते हैं, क्योंकि अगर वे मजबूर ना होते तो शायद आज इतने सफल भी ना होते। देखिए बरेली से बॉबी वर्मा की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की प्रेरणा मिली आपको, कैसे क्या? सबसे पहले मैं इस बरेली वासियों को और पूरे भोजपुरी दर्शकों को मेरा विनोद यादव भोजपुरी फिल्म अभिनेता का प्रणाम। और मैं बरेली निवासी, बरेली को एक फिल्म इंडस्ट्री में पुराना इतिहास है। प्रियंका चोपड़ा जी ने नाम को रोशन किया, दिशा पाटनी जी ने नाम को रोशन किया, और मैं उनके नाम के रोशन को मजबूती से सींचने की कोशिश किया हूँ। और मेरी पहली फिल्म गुंडा भी रिलीज हुई 6 सितंबर को, जो अभी अच्छी से हाउसफुल चल रही है पूर्वांचल में, बरेली पीवीआर में। जो पहली बार भोजपुरी ने पीवीआर सिनेमा को थैंक्स बोलूँगा, जो इंटरनेशनल सिनेमा होने के बाद भी मेरे को ओरिजिनल सिनेमा को चांस दिया और भोजपुरी फिल्म गुंडा को रिलीज किया और हाउसफुल भी चल रहा है और बरेली के लोगों ने सपोर्ट किया। और मैं एक वो छोटा सा स्टूडियो चलाता हूँ और वो एक बचपन से रोजी रोटी का खाने का रास्ता था, एक आम आदमी की तरह रहता था। लेकिन सोचा जीवन में कुछ बड़ा करूं, कुछ अलग करूं, और मैंने एक निर्णय लिया, उस निर्णय के आधार पर काम कर रहा हूं। अच्छा, जानना चाहेंगे कि कैसे प्रेरणा मिली अचानक आप डॉक्टरी लाइन से फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, किस तरीके कैसे प्रेरणा मिली आपको? मेरी सोच थी कि देखिए, कुछ चीज़ आप करते हैं तो रोजी रोटी के लिए करते हैं, और वो आप चाहते हैं, और वो आप जब इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो उसको कोई जानता नहीं, लोग भूल जाते हैं, या खासकर आपके बच्चे भी भूल जाते हैं आपको कि मेरे पिताजी थे क्या थे, या फिर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। अच्छा, सफलता के पीछे किस किस किसको सफलता का श्रेय देंगे? मैं सबसे पहले सफलता का अगर करना मैं अगर श्रेय देता हूँ तो अपने कर्म को और अपनी मेहनत और अपनी मजबूरी का देता हूँ, कि जो मैं अगर मजबूर नहीं होता किसी चीज़ को लेकर तो शायद उस रास्ते को नहीं। अच्छा, हर एक व्यक्ति का गॉडफादर होता है, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप आए हैं, फिल्म आपकी, और कितनी फिल्में और आपको मिली हैं? जो मेरी फिल्म दिया, जो मैं अपनी फिल्म का श्रेय डेडिकेट करता हूँ वो सिकंदर सर को, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मुझे एक एक चीज़ सिखाया, समझाया और सपोर्ट किया इंडस्ट्री में। और मेरे इसके बाद मेरे को 7 पिक्चर और मिली है और 3 फाइनल हो गई है, 4 लाइनअप हैं और अंडर प्रोडक्शन है और प्रोसीजर में चल रहा है। भगवान चाहेंगे इस साल मैं अच्छा काम करूँगा। अच्छा, भोजपुरी के अलावा बॉलीवुड में भी कोई फिल्म मिली है? हाँ, अभी है, नाम नहीं ओपन करेंगे, लेकिन बातचीत चल रही है, वो लाइनअप हो जाएगा उसी। अच्छा, साथ में से एक है। अच्छा, गुंडा की कामयाब जो पिक्चर हुई है, गुंडा में क्या रोल है आपका और क्या थोड़ा सा? मैं गुंडा का मैं टाइटल रोल कर रहा हूँ, मैं एक लीड एक्टर हूँ और उसमें एक मैं सीधा साधा लड़का रहता हूँ, और आम आदमी कैसे गुंडा बनता है, किस मजबूरी में बनता है, क्यों हर्ष में बनता है, वो उसमें कहानी दर्शाई गई है, उसको मैंने फिट रोल किया है। इस खबर में बस इतना ही, आगे भी बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया पर, खबर से लेकर असर तक।